तो कैसे हो आप लोग? बहुत बुरे हैं भयंकर, हम बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। अभी वो वीडियो आ गया है जिसका इंतजाम मुझे नहीं पता आप लोगों को क्यों था। स्पेशली मेरे दोस्तों को बहुत ही ज्यादा था इस वीडियो का इंतजार, मतलब बहुत ही ज्यादा। मुझे पता है कि हम सबके कॉलोनी में बहुत ही ज्यादा अलग अलग प्रजाति के लोग रहते होंगे। हमारे कॉलोनी में ये लिस्ट फुल भर चुकी थी। क्रिकेट क्या होता है ये हम कॉलोनी के बच्चों को पता ही नहीं था। पहला कारण है हमारे कॉलोनी के रोड्स इतने अच्छे थे कि क्या ही बोलूं। मतलब खेलना तो भाई बेंचो मतलब दूर की बात है, पैदल इंसान नहीं चल पाता था। यहाँ वहाँ से भाई रोड कितने सालों बाद बन गया था और भाई कॉलोनी के लोग क्रिकेट खेलने नहीं देते थे क्योंकि क्योंकि उनका दोपहर का हनीमून चलता था। भी डांटते थे, ऐ भेंगे लड़ो चलो निकलो यहाँ से। हम चुपचाप 6वीं क्लास के 12 साल के बच्चे चले जाते थे, पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारी औकात उससे भी ज्यादा बड़ी होती गई। आज भी वो वाला दिन पता है जब कमला भाई नामक एक व्यक्ति रहती है हमारे कॉलोनी में, उसके घर के अंदर हमारा बॉल चला गया था। उसने डायरेक्ट मेरे दोस्त को बोला कि यार चलो यहाँ से निकलो, यहाँ पे खेलना नहीं। मेरा दोस्त इतना साइबेट सिग्मा मेल है कि भाई सीधा उसके मुंह पर बोल दिया, भाई तेरे क्या बाप का रोड है। उस कमला भाई के भाई चेहरा यार अभी भी नहीं भूला मैं, उसका चेहरा ऐसा भाई। पर सच में हम बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गए थे इन कॉलोनी वासी। हमारे 50 में से भाई 30 बॉल तो ये कमला भाई ही लेती थी। सारा बेंच क्या प्रॉब्लम था इनको। और जब से मेरे दोस्त ने कमला भाई को बोला है ये भाई हमें आपका रोड है, तब से अफसोस कमला भाई सदमा से बाहर नहीं आ पाई। कमला भाई जैसी अनगिनत प्रजाति थी हमारे कॉलोनी में। अभी किस किस का नाम लू भाई, ये वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा कि ये भाई आपका पूरा जन्म चला जाएगा। मुझे तो भी लगता है यार आजकल इतना हो चुका है क्योंकि अगर भाई हमारे कॉलोनी में से किसने ये वीडियो देख लिया तो भाई मुझे नहीं पता कितने सेक्शन लगने वाले हैं मेरे ऊपर। सो यस गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब का तो मैं बोलूंगा नहीं, मुझे पता है भाई सब्सक्राइब तो नहीं होगा और लाइक भी नहीं होगा, तो यार कर लेना कुछ तो भी। 200 सब्सक्राइबर भाई करना ही है कैसे भी करके इस मंथ में। बाय बाय।